तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन टूल के बारे में कि रिफ्लेक्शन टूल कैसे काम करता है और क्या चीज़ कर रहे हैं। ये हमारा टूल है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन टूल और इसकी शॉर्ट की है ओ, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन कैसे काम करेगा भाई? रिफ्लेक्शन मतलब जैसे हम शीशे में खड़े होते हैं तो उसका अपोजिट दिखाएगा। तो कैसे, जैसे हमने यहाँ पर एक लेटर लिखा, टाइप करते हैं यहाँ पे लिखा सपोज टू बी बी, और बी लिख के हमने यहाँ पे ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको ऐसे बड़ा कर दिया, इसको क्लिक किया, यहाँ पे टूल लिया हमने रिफ्लेक्शन और इसका बेस पॉइंट हमने सेट किया यहाँ पे और ऑल्टर का बटन दबा के क्लिक किया। ये देखें इसका वर्टिकल रिफ्लेक्शन हमने लिया है तो ओके करने पे ये इसका अपोजिट हो गया। दोबारा से ऑल्टर के साथ यहाँ क्लिक किया तो दोबारा से वर्टिकल रोटेशन लिया तो यहाँ पे ओके किया, ये इस तरह से हो गया। अब इसी तरह से अगर हम इस बी को डुप्लीकेट करें यहाँ से और इसको शिफ्ट के साथ मैं यहाँ से ऐसे रोटेट करके ऐसे कर दूँ और अब इसको रिफ्लेक्शन करूँ यहाँ पे ऑल्टर के साथ, तो यहाँ पे इसका जब मैं हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन लूँगा इस तरह से, ठीक, देखिए नीचे की तरफ आ गया, ओके किया तो ये इस तरह हो गया। समझ में आ गई बात की? रिफ्लेक्शन यानी कि जिस डायरेक्शन में है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी कैसे लेंगे? इसको सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे और रिफ्लेक्शन लिया यहाँ पे, ऑल्टर के साथ क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ पे जाके हमने वर्टिकल रिफ्लेक्शन पे क्लिक किया और क्या ले ली इसकी कॉपी। तो ये देखें इस तरह से बी बन गया। यहाँ पे क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ से हमने रिफ्लेक्शन टूल लिया और यहाँ पे ऑल्टर के साथ क्लिक किया और यहाँ से इसका हमने हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन लिया, टेली कॉपी, तो क्या बन गया इसका डुप्लीकेट। तो इस तरह से आप कई तरह के रिफ्लेक्शन ईजिली बना सकते हैं। अभी तो मैंने टेक्स्ट पे करके बताया, शेप पे करना हो तो वो भी इस तरह से होगा। मिसाल के तौर पर अब आप कोई शेप 50% कंप्लीट कर ले, ये उसको कंप्लीट कर देगा। लेट सपोज मैंने ये एक शेप बनाया, इस शेप को मैंने क्या किया, यहाँ से क्लिक करके इसका ये वाला सिलेक्शन एक डिलीट कर दिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, और इस पर क्लिक करके मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, जूम किया, रिफ्लेक्शन टूल लिया और रिफ्लेक्शन टूल लेके इसके इस पर अल्टर के साथ क्लिक किया, और सॉरी अंडू कर देता हूँ, क्लिक किया यहाँ से, ये रिफ्लेक्शन टूल लिया और यहाँ पे अल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो देखिए हॉरिजॉन्टल में नीचे आ रहा है और वर्टिकल में कहाँ जाएगा, इसके आगे कॉपी कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया मैंने, सॉरी सिलेक्शन टूल लिया, ये दोनों को सेलेक्ट कर लिया, रिफ्लेक्शन टूल लिया, ऑल्टर के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे क्लिक करके हॉरिजॉन्टल कर दिया कॉपी। ये देखिए ये इस तरह का शेप बन गया। इन चारों शेप्स में आप अलग अलग जो है कलर्स फिल कर सकते हैं। ये देखिए तो देखिए इस तरह का टूल भी रिफ्लेक्शन यूज़ हो सकता है। सिमिलरली इसी शेप को अगर हमने यहाँ से पकड़ा और ऑल्टर के साथ कॉपी लिया और शिफ्ट के साथ इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह घुमा के ऐसे सीधा कर लिया और अब इसके बराबर में ऐसे ही शेप चाहिए तो यहाँ से रिफ्लेक्शन लेंगे, ऑल्टर के साथ इसके इस एंकर पे क्लिक करेंगे और देखिए इसके साथ मैं वर्टिकल रिफ्लेक्शन करूँगा, कॉपी करूँगा, तो ये देखें एक और रिफ्लेक्शन आ गया। सिमिलरली इन दोनों को सेलेक्ट किया, रिफ्लेक्शन टूल लिया और इसके बेसमेंट पे यहाँ क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल किया, कॉपी किया, तो ये देखें इसका एक बेहतरीन रिफ्लेक्शन। अब इन चारों पे मैं अलग अलग कलर अप्लाई कर सकता हूँ। लेट सपोज इसमें मैंने ये कलर दिया, सिमिलरली अगर यही कलर मुझे यहाँ पे देना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ये आई ड्रॉपर टूल यूज़ करूँगा और इस कलर पे क्लिक करूँगा तो ये देखें एक इस तरह का शेप 3D क्रिएट हो गया, ठीक है। इसी तरह से रिफ्लेक्शन को हम और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमने एक टूल लिया और इसको करने के बाद यहाँ से इसको यहाँ से डिलीट कर दिया और डिलीट करके हमने ऐसा एक शेप बना दिया। अब इसी शेप को मिसाल के तौर पर आप क्या कर सकते हैं कि हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ से और इसका एक रिफ्लेक्शन लेते हैं, ऑल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसके साथ वर्टिकल करते हैं, कॉपी कर देते हैं, ये एक शेप क्रिएट हो गया। अब इसी शेप में ये हमने भी बनाया था, ठीक है, और इसको इस तरह से उठा के हमने ऐसे कर दिया और ये देखिए एक शेप क्रिएट हो गया। एक को कर दें थोड़ा सा डार्क और एक को कर दें लाइट, तो ये देखें ये भी एक शेप आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर यही शेप आपको नीचे की तरफ करना है तो ऑल्टर की मदद से यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से वर्टिकल करें, कॉपी कर दें, ये देखें इस तरह का शेप भी आपका क्रिएट हो सकता है। और इसमें कुछ और कलर भर सकते हैं, जैसे कि आपने इसमें लाइट और इस तरह से इसका लाइट इसमें भर दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अच्छा, अब इसके अलावा रिफ्लेक्शन को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज आपके ये चारों ऑब्जेक्ट जो हैं, मिसाल के तौर पे ये चार की मैं बात कर रहा हूँ, ये चार ऑब्जेक्ट जो हैं इसमें वो बी भी सिलेक्ट हो रहा है लेकिन बी को मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ इससे, ये उठा के बी को अलग कर दिया। अब ये चारों ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे चाहिए सेम। अब मिसाल के तौर पे आप सोच रहे होंगे सर किस तरह, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे कुछ शेप्स यहाँ पे बने हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और ये लाइन मैंने यहाँ स्ट्रोक इस पर लगा दिया क्लिक करके, तो ये लाइन आ गई। अब मुझे सेम यही सारे शेप इतने ही डिस्टेंस पे इस लाइन से यहाँ पर चाहिए, सेम ये सारे सारे शेप इस लाइन से जो डिस्टेंस है इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक किया मैंने यहाँ से, सेलेक्ट किया रिफ्लेक्शन, ऑल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक किया इस पॉइंट पे और क्लिक करके वर्टिकल किया तो कॉपी कर दिया और ये देखिए सेम बिल्कुल डिस्टेंस सेम होगा,
और इतने पे ही यहाँ पे इस तरह से निकल के आ गए। तो इस तरह से किसी भी शेप को आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और रिफ्लेक्ट करने के बाद आप उसको ईजीली उसकी डायरेक्शन डायमेंशन दोनों को चेंज करके एक नया शेप और आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,